रोक दे भाई, रोक दे। चल चल साहब। हाँ पैसे? पैसे काय बात के पैसे? साहब मैं आपको चौराहे से यहाँ तक लेकर आया हूँ, तो किराया तो लगता है ना साहब। चौराहे से लेके आया, एहसान किया है क्या? साहब दे दो ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। मुझे एक बात बता, इस रोड पे तू रिक्शा चला रहा है, इसका टैक्स देता है? है? तुझे पता है ये एरिया मेरे अंडर में आता है, आज तक मैंने कुछ मांगा तुझसे? पैसे मांगेगा, चुपचाप निकल यहाँ से। बढ़ाया साहब, साहब दे दो ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं अपने घर में कमाने वाला अकेला हूँ साहब। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू पैसे मांगने के लिए नीचे उतर के आ गया? हाँ समझ नहीं आया क्या है? अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? आपको तमीज नहीं है किसी से बात करने की? वो अपने हक के पैसे ही तो मांग रहा है, वो आपको वहां से यहाँ तक लेके आया है, उसको खाली आप 20 रुपए नहीं दे सकते हो? एहसान कर रहा है क्या ये? हाँ सेवा करते हैं इन लोगों की। अरे आप सेवा करते हो तो इसका मतलब ये है किसी को उसके हक के पैसे भी नहीं दोगे? एहसान ये थोड़ी कर रहा है आपके ऊपर, आप कर रहे हो इसके ऊपर एहसान जो आप इसकी मयूरी में बैठे। नहीं दे रहा पैसे, जा तू दे दे, तुझे बुरा लग रहा है तो तू दे दे पैसे। नहीं दे रहा। सर आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, राजी राजी गैर राजी। अच्छा तू मुझे रौब दिखा रहा है? ऐसा है अपने शरीर की अकड़ना किसी और को दिखाइयो, 2 मिनट में अंदर करवा दूंगा। तुझे पता है पुलिस वाले से बोल रहा है तू? और हाँ तू चुपचाप से निकल यहाँ से, ये तो बच जाएगा, तेरा ये रिक्शा ना 2 मिनट में अंदर होगा, समझा? निकल यहाँ से। सुनो सर अब आपका बहुत हो रहा है, आपने जो भी कुछ किया है ना ये सब इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, वायरल कर दूं इसे। और बना, मैं इसे मारूंगा, इसे मार रहा हूँ, बना वीडियो, बना वीडियो। बड़ा आया वीडियो बनाएगा, कर लियो मेरा जो कर सके। सर आप इस वर्दी का गलत फायदा उठा रहे हो। उठा रहा हूँ है, क्या कर लेगा, मेहनत करके पहनी है ये वर्दी, ऐसे ही नहीं मिले ये स्टार, समझ आया ना? तो वो भी तो मेहनत करके आपको यहाँ तक लेके आया है। नहीं दे रहा पैसे, क्या कर लेगा। और तू कौन है ये है? सवारी है ना, तो इसे लेके चुपचाप निकल यहाँ से, निकल। अरे भैया आप पागल हो क्या, अपने हक के पैसे आपने छोड़ दिए? रहने दो साहब, साहब ने मेरी गाड़ी अंदर कर दी तो मैं कमाऊंगा क्या साहब? मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे 200-250 रुपए घर पे ले जाने होते कमाकर, मैं वो नहीं कमा पाऊंगा साहब, चलिए आप। आप जैसे लोगों की वजह से इनके पर निकलते हैं, पर आप भैया बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसका किराया मैं दे दूंगा आपको, क्योंकि आपने तो अपनी मेहनत करी है ना, ये जो भी कर रहा है ना ये एक ना एक दिन तो पकड़ा जाएगा। जैन साहब, साहब आपके लिए कुछ लाए हूँ। अरे आप, आपको तो मैं अभी फोन करके खुद ही बुलाने वाला था, आप खुद ही आ गए, बैठिए। नहीं साहब ठीक हूँ। हाँ ठीक तो तुम होंगे ही, हराम की खाका के तुम पे इतनी चर्बी चढ़ गई है, ठीक तो तुम होंगे ही। उस रिक्शे वाले के संग क्या कर रहे थे तुम, पहचान तो तुमने मुझे लिया होगा। साहब वो थोड़ा सा टेंशन था तो इस वजह से। अच्छा टेंशन में और ऊपरी कमाई करने की सोच रहे थे हैं, लोगों को उनके हक के पैसे नहीं देते हो तुम? सब वैसे तो मैं देता हूँ, बताया ना थोड़ा सा परेशानी थी और जल्दी में भी था तो इस वजह से नहीं दे पाया। अच्छा 20 रुपए में तुम्हारी परेशानी सॉल्व हो जाती है? तुम्हारी तनख्वाह उनका नहीं मिल रही है क्या सरकार की तरफ से? तुम जैसे लोगों को ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम लोग अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हो, लोगों को लूटते हो, उनको पैसे नहीं देते उनके हक के। तुम जैसे 2-3 लोगों की वजह से पूरे पुलिस प्रशासन का नाम गिर रहा है। जब मैंने तुमसे बोला कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली तो तुम और मुझसे कहने लग गए कि बनाओ मेरी वीडियो। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, अगर मैं चाहता ना आशीष तो तुमको तुम्हारी औकात वहीं दिखा देता, पर मैंने पता ही ये सब क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इस वर्दी की अहमियत जानता हूँ, वरना मैं 2 मिनट में तुम्हारी वहीं पे औकात दिखा देता। आशीष तुम्हें पता है तुम जैसे कुछ लोगों की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट से लोगों का भरोसा उठ गया है, शर्म आनी चाहिए तुमको। साहब गलती होगी, माफ कर दीजिए साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा। अच्छा गलती हो गई, आगे से तुम तब कर पाओगे जब तुम्हारे पास ये वर्दी होगी। वर्दी उतारो अभी के अभी यहीं पे उतारो। और सुनो तुमने जिस वीडियो के लिए बोला था ना और बना ले, वो वीडियो तो मेरे पास है, एज अ प्रूफ ये वीडियो मैं मजिस्ट्रेट को भेजूंगा और तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। देखो तुम अगर मैंने जेल नहीं करवा दी तुम्हें तो मेरा नाम संजीव त्रिपाठी नहीं, और ये अपनी मिठाई का डिब्बा उठा के लेके जाओ। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, अगर मैं जेल चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, माफ कर दीजिए। सुनो आशीष मुझे तुम्हारे मुंह से अब कुछ भी नहीं सुनना, अब जो फैसला होगा वो मजिस्ट्रेट करेगा, मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है, ये उठाओ अपना डिब्बा और निकलो यहाँ से।